सत्ता के लिए 5 बार पाला बदलने वाले नीतीश कुमार के मन में इतिहास बनाने की चाह है। उनसे ज्यादा जल्दी उनकी पार्टी और तेजस्वी यादव को है। तेजस्वी की नजर सीएम की कुर्सी पर है, इसलिए आरजेडी का स्वार्थ तो समझा जा सकता है, लेकिन नीतीश की पार्टी ऐसा क्यों कर रही है ये पता नहीं। जदयू के गलियारों से कुछ खबरें फैलाई जा रही हैं, इसमें से एक बेहद महत्वपूर्ण है। इसे जानकर राहुल गांधी परेशान हो सकते हैं। कर्नाटक की जीत से भले ही बूस्टर डोज राहुल गांधी को मिला है, लेकिन हड़बड़ी में नीतीश कुमार दिख रहे हैं। राहुल अभी अमेरिका में इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल कर रहे हैं, और इधर खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। कल तक तो यह पता नहीं था कि इस बैठक में कांग्रेस शामिल होगी या नहीं, लेकिन जयराम रमेश ने अब ये क्लियर कर दिया है कि उनकी पार्टी से कोई ना कोई तो जाएगा ही। लेकिन नीतीश के नाम पर मुहर लगेगी, इस पर घनघोर संदेह है। सिद्धरमैया से लेकर गहलोत तक अब राहुल को पीएम पद के लिए फिट मान रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से नए राहुल का उदय का आभास हो रहा है। राहुल कर्नाटक और हिमाचल की जीत के पहले कुछ और थे, और अब वो बदल चुके हैं। जी हाँ, ममता बनर्जी, शरद पवार, केसीआर, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे से ताबड़तोड़ मुलाकात के बाद नीतीश इस मायने में कामयाब माने जाएंगे कि उनके कहने पर पटना में सभी विपक्षी दल जुट तो रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों के बीच का वैचारिक व्यवहारिक विरोधाभास खत्म हो गया ये कहना पूरी तरह मूर्खता होगा। अब देखिए, खुद नीतीश कुमार इस मायने में अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। ऐसा समझिए कैसे, 5 जून 1974 के दिन पटना के गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, इंदिरा गांधी को हटाने के लिए, कांग्रेस की सत्ता मिटाने के लिए। और नीतीश कुमार अपनी राजनीति ही जेपी को समर्पित करने की बात करते रहे हैं, लेकिन आज वही नीतीश कुमार उस ऐतिहासिक घटना की गोल्डन जुबली साल में कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को भगाने का दम भरेंगे। ये बात कांग्रेस और ममता दोनों को मालूम है कि नीतीश की राजनीति वाजपेयी से लेकर मोदी काल तक भाजपा के साथ ही घूमती रही है। चाहे बिहार में भाजपा ने जदयू से ताकत पाई हो, या नीतीश ने बीजेपी से, या फिर दोनों ने एक दूसरे से, लेकिन क्या नीतीश कुमार लोकसभा 2024 में 1-to-1 फॉर्मूले को लागू कर पाएंगे? ये फॉर्मूला है भाजपा के खिलाफ हर सीट पर विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार खड़ा करना, मतलब बीजेपी को चौतरफा घेर लेना। कर्नाटक की जीत के बाद क्या राहुल गांधी इस नए फॉर्मूले के लिए तैयार होंगे? चलिए नया फॉर्मूला आपको हम बताते हैं। नीतीश की कोशिश और मोदी को हटाने की चाहत के बीच कुछ आंकड़े दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। देखिए, लोकसभा की 543 सीटों में 190 ऐसी हैं जिन पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। इनमें से 92% सीटों पर भाजपा के सांसद हैं, मतलब 175 सीटों पर भगवा परचम फहरा रहा है। कांग्रेस सिर्फ 15 सीटों पर काबिज है। आगे 185 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा का मुकाबला गैर कांग्रेसी दलों से है। पिछले चुनाव में इनमें से 128 पर भाजपा और 57 पर अन्य दलों की जीत हुई थी। अब 71 सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला गैर भाजपा दलों से है जो नीतीश की अगुवाई में पटना में मिलेंगे। पिछले चुनाव में इन 71 सीटों में से 37 पर कांग्रेस जीती थी और 34 पर दूसरे क्षेत्रीय दलों की जीत हुई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं भाजपा बनाम कांग्रेस यानी 161 सीटों की। मध्य और उत्तर भारत के 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 161 सीटें हैं। इनमें 147 पर दोनों राष्ट्रीय दल आमने सामने हैं। 12 सीटों पर भाजपा या कांग्रेस का मुकाबला किसी क्षेत्रीय पार्टी से है, और 2 सीटें ऐसी हैं जहां मुख्य मुकाबला क्षेत्रीय दलों के बीच है। अगर 2019 के नतीजे को देखें तो 161 में 147 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस मात्र 9 सीटें ही जीत सकी और अन्य के खातों में 5 सीटें गई। तो आप समझ लीजिए कि गुणा गणित क्या बैठ रहा है। अब देखिए, दूसरा मुद्दे पर बात कर लेते हैं, भाजपा बनाम क्षेत्रीय दल। कुल सीटें 198। यहाँ हम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा
कि 198 सीटों का जरा हाल देखते हैं, जिनमें 116 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इन राज्यों में 154 सीटों पर भाजपा और रीजनल पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। 25 पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला है। 19 सीटें ऐसी हैं जहां क्षेत्रीय पार्टी आपस में टकराते हुए दिखी हैं, और पश्चिम बंगाल में चौतरफा मुकाबला था भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों के बीच। इसके बावजूद 42 में 39 सीटों पर भाजपा या तो जीती या दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस 3 सीटों पर पहले या दूसरे स्थान पर रही। और ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, यानी उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटों की बात कीजिए तो 62 पर भाजपा ने जीत हासिल की, 74 सीटों पर उसका मुकाबला सपा, बसपा या उनकी सहयोगी पार्टियों से रहा। सिर्फ 4 सीटों पर कांग्रेस पहले या दूसरे स्थान पर रही। अब बात कर लेते हैं 25 सीटों की, यानी कांग्रेस का जहां पर टक्कर क्षेत्रीय दलों से हुआ, जैसे केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय और पुडुचेरी की 25 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 17 पर जीत हासिल की, लेकिन 20 सीटों पर कांग्रेस पहले या दूसरे स्थान पर रही। भाजपा केवल केरल के एक सीट पर दूसरे स्थान पर रही। अब बात करते हैं चौथे मुद्दे पर, जहां पर बहुकोणीय मुकाबला हुआ। ऐसे कुल देश में 93 सीटें हैं। जी हां, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना समेत 6 राज्यों की 93 सीटों पर 2 से अधिक दल मैदान में मजबूत दिखाई दे रहे हैं। 2019 के रिजल्ट को देखें तो भाजपा ने 40 सीटें जीती, अन्य दलों के खाते में 41 सीटें गई। कांग्रेस 12 सीटों पर पंजा मार सकी और महाराष्ट्र में इस बार फिजा थोड़ी बदली हुई है। जी हां, शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भाजपा के साथ है तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के साथ है। पांचवें मुद्दे पर बात कर लेते हैं, क्षेत्रीय दलों के बीच जो सीटें होती हैं उनकी संख्या 66 है, जहां पर सीधे क्षेत्रीय दल एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम की 66 लोकसभा सीटों पर भाजपा कहीं भी सीन में नहीं है। यहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में 58 सीटें जीती। तमिलनाडु की 39 सीटों में 12 पर कांग्रेस या भाजपा का वजूद दिखा, लेकिन ऐसा उनके स्थानीय सहयोगी दलों के कारण हो पाया। तो अब आप पूरी तरह परिस्थिति से वाकिफ हो चुके होंगे। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार का 1-to-1 फॉर्मूला कितना कारगर हो पाएगा ये समझना मुश्किल नहीं है, वो भी तब जब वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी, जेडीएस के एचडी देवगौड़ा और बीजेडी की नेता जो हैं वो नए संसद भवन के उद्घाटन में मोदी से गर्मजोशी के साथ मिलते नजर आए, तो मायावती ने अपना शुभ संदेश भी भेज दिया है।